अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद समी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद समी व्लॉग्स पर। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज का ये जो लोग है ये है, हम जमालगढ़ी कंडरात आए हैं, जमालगढ़ी कंडरात जाने वाले हैं। तो इसके साथ जो भी फैक्ट्स है वो हम आपको बताएँगे, और ये रास्ता जाता है जमालगढ़ी कंडरात को। तो हम अब जाएँगे, अभी कोरोना भी है, पता नहीं कंडरात खुले भी होंगे या नहीं, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको जमालगढ़ी कंडरात का लोकेशन भी बताऊं कि जमालगढ़ी कंडरात जो है ना, ये मर्दान से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और काटलंग से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और ये बहुत ही पुरानी कंडरात है। इसके साथ जो भी पिक्स होंगी वो आपको हम बताएंगे। ये जो जगह आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फर्श। अगर आप मर्दान से आते हैं तो यहाँ पर आपने रुकना है, और इस साइड पे आपने एक चिंची वाली को बताना है कि मैं कंडरात जा रहा हूँ, तो वो आपको बआसानी से तवाई कंडरात को छोड़ाएगा। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ मेरा अपना बाइक मौजूद है, तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना। इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई, लेकिन यहाँ पर जब आया तो जिस चीज़ का मुझे डर था ना, वो ही मेरे साथ हुआ। और ये कंडरात अभी बंद है कोरोना की वजह से, तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा हुआ था। तो अब ये बोर्ड लगा हुआ है कि कोरोना वायरस की वजह से कंडरात बंद है। वो ऊपर कंडरात इस पहाड़ के ऊपर वाक़ है, लेकिन कोरोना की वजह से बस अभी बंद है। तो बस वीडियो को अभी इसी टाइम पे बंद करते हैं, क्योंकि अभी बंद है तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन सब के सब जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भाई भी और वो कार वाला भी आया, लेकिन बंद है तो बस अब हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होंगी, और एक बात ज़रूर आपसे करना चाहता हूँ कि दुआ करें कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, तब हमारे व्लॉगर जैसे बहुत यूट्यूबर है उनका वीडियो नहीं आ रही है इस वजह से कि मुख्तलिफ जगह बंद है, और ये आप देख सकते हैं। तो बस हवा तो मैं बहुत हुआ हूँ, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।